टू माई फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं आमले लव फ्रॉक थोड़ा डिजाइनर स्टाइल में, और उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी तो देखिए। ये सबसे पहले ये चीज, ये जो फैब्रिक है ये मैं लेने वाली हूँ चोली के लिए, और ये नेट का फैब्रिक है, इसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है, ये देख सकते हैं, ये चोली के लिए ले रहे हैं। ये जो है दुपियन, और ये हम लेंगे जो वेस्ट में अभी सिल आपने देखा है वो हम यूज करेंगे वेस्ट में। ये है स्कर्ट, और जो चोली है हमें जो भी हमारा नेट के नीचे का हिस्सा होता है उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ये है रॉ सिल्क का कपड़ा। उसके बाद में है ये स्कर्ट के लिए हम यूज करेंगे, ये है नेट, सॉफ्ट नेट है और इसको यूज करेंगे स्कर्ट में। और ये फाइनली ये है हमारा लाइनिंग, जो बेसिक लाइनिंग होता है वो। उसके बाद में हमें क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत है, इस तरीके से देखिए, आपको ये मेजरमेंट की जरूरत है। शोल्डर लेंथ, जितनी लेंथ लेना चाहते हैं आप, नी लेंथ लेना चाहते हैं या फ्लोर लेंथ, वही। उसके बाद है चोली लेंथ और स्कर्ट लेंथ। स्कर्ट लेंथ आप टोटल लेंथ में से जब चोली लेंथ लेस करेंगे तो आएगी स्कर्ट लेंथ। फिर है चेस्ट, वेस्ट और नेक लेंथ। नेक लेंथ फ्रंट की हमने ली है 2 इंच और बैक की है 1 इंच। नेक विथ, बच्चों के लिए नेक विथ लगभग 2 इंच और 2.25 इंच काफी रहता है, और स्लीव हम ले नहीं रहे हैं इसलिए स्लीव की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं अभी हम कटिंग से चीज, और कटिंग से पहले ये एक कैन है, और इसका यूज क्या होता है, क्यों यूज आता है वो देखिए आप आगे। करने के लिए आपको पहले ही कैलकुलेशंस करनी होगी, जो ड्राफ्टिंग में मैंने बताया था आपको उसी अकॉर्डिंग। तो हमारा जो मेजरमेंट है 19 इंच की है हमारी वेस्ट, और उसी के अकॉर्डिंग ये वाली जो मेजरमेंट है वो करनी है। तो उसके लिए देखिए, हम लोग 1 इंच का सीम अलाउंस रखने वाले हैं, तो उसके लिए 1 में से आपको 0.25 इंच लेस करना है, बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो ड्राफ्टिंग के वीडियो में बताया, तो इसी अकॉर्डिंग ये वाला ये कैलकुलेशन आता है 3.52। तो ये जो हिस्सा है हमें, इसका हमें कर्व देना है। ये देखिए, एक नवा मैंने एग्जांपल के लिए बनाया है। ये जो हिस्सा रहेगा ये फोल्डेड रहेगा और बाकी तीनों ओपन रहते हैं, तो यहाँ से हम जो कर्व देंगे वो 3.52 इंच का कर्व देना है हमें। इस कॉर्नर से यहाँ पर सारा 3.52 का। उसके बाद में आपको यहाँ से यहाँ तक जितनी आपकी लेंथ है उतनी चेक करनी है। तो हमारी लेंथ देखिए 17.5 है, यानी स्कर्ट की लेंथ, तो स्कर्ट की जो लेंथ होगी वो 17.5 होगी। तो उसमें आपको जो सिम अलाउंस ऐड करना है, यहाँ से जब हम लोग ये चोली ऐड करेंगे यहाँ से, तो 1/2 इंच वो सिम अलाउंस जाएगा, और यहाँ पर हम करने वाले हैं पिकू, तो वो 1/2 इंच उसका छोड़ दीजिए, तो 1 इंच। तो 17.5 में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो 18.5। तो अभी आगे देखिए करना क्या होगा। ये जो एक और डायग्राम मैं बता रही हूँ उसके लिए, ये है हमारा वेस्ट का कर्व, और ये इसी अकॉर्डिंग रहेगा। मैं अभी देखिए 3 लेयर होने वाले हैं। 3 लेयर कैसे, वो जैसे एक तो होगी लाइनिंग की, ये सपोज ये लाइनिंग की, तो लाइनिंग की जो लेयर होगी देखिए, एक पहली लाइनिंग की, उसके बाद रॉ सिल्क की, उसके बाद में नेट की। जो सबसे लंबी होगी यानी कि स्कर्ट की जो लेंथ है, जैसे 17.5 मैंने बोला अभी, उसमें 1 इंच ऐड करते हैं, तो 18.5। तो 18.5 तो होगा नेट का, वो नेट की लेंथ होगी। उसके अंदर आएगा रॉ सिल्क का लाइनिंग, तो वो होना चाहिए 1 इंच कम, तो 18.5 में से वो 1 इंच कम करेंगे, वो आएगा 17.5 का। उसके बाद में एक और लाइन है जो मेन लाइनिंग है, तो उसका भी वापस आपको 1 इंच लेस करना है, तो वो होगा 16.5। तो ये सपोज कीजिए कि ये हमारा फर्स्ट लाइनिंग है, तो फर्स्ट लाइनिंग होगा 16.5 का। उसके बाद में आएगा रॉ सिल्क का, तो रॉ सिल्क का 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो ये होगा हमारा रॉ सिल्क का, तो वो होगा 17.5। उसके बाद में है नेट का जो फैब्रिक है, उसकी लेयर 1 इंच एक्स्ट्रा इससे ज्यादा रहनी चाहिए, तो वो होगा 18.5। अभी देखिए इन तीनों में सिम अलाउंस ऐड है, यहाँ पर 16.5 में, 17.5 में, 18.5 में, तीनों में सिम अलाउंस ऐड है। उसके बाद आपको कट कैसे करना है, जैसे लाइनिंग का लाइनिंग में हो गया, रॉ सिल्क का रॉ सिल्क में हो गया, और नेट का नेट में हो गया। आपको फोल्ड कैसे करना है कपड़ा, देखिए यहाँ तो होगा 3.52
3.52 जो हमारा कैलकुलेशन से आया है, और जो वेस्ट में ये जो कर्व है वो 3.52 का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो 3.52 का है, और इसके बाद में जो लेंथ होगी स्कर्ट की ये यहाँ तक, तो ये जैसे ये 16.5 की है और ये है 3.52, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, उतना ही कपड़ा फोल्ड कीजिए, तो आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं होगा। तो लाइनिंग को इस तरह से कट करना है, फिर रॉ सिल्क को भी, ये जैसे ये यहाँ पर 17.5 है, तो 17.5 और 3.52 को ऐड कीजिए और उतना कपड़ा फोल्ड कीजिए, 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड ले लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पन्ना का जितना आप कर लेंगे फोल्ड और फिर वो फैब्रिक वेस्ट होगा, तो इस अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। अभी हम लोग लाइनिंग को फोल्ड करते हैं, और इस तरीके से मैंने ये सब कैलकुलेशन रखी है। फर्स्ट लेयर में जब 16 और 3.52 को ऐड करते हैं तो 20.02 आता है, तो इस अकॉर्डिंग में ये फर्स्ट लेयर, जैसे ये हमारा लाइनिंग है फर्स्ट, तो इसको मैं फोल्ड करती हूँ। इसके लिए मैंने 20 है तो मैं 21 ले रही हूँ, 21 इंच पर ये मार्क किया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको फोल्ड करूँगी, इनको इस अकॉर्ड यहाँ तक इसको फोल्ड कर देती हूँ इस पॉइंट पर। इतना मैं इसको फोल्ड कर चुकी हूँ, और अभी हम लोग यहाँ पर इसको इस कॉर्नर पर, ये देखिए ये हिस्सा फोल्डेड है और ये है ओपन, और बाकी के ये तीनों भी ओपन ही हैं। हम लोग यहाँ से हमारा वेस्ट का जो हिस्सा है उसको कर्व देंगे। कॉर्नर से मुझे यहाँ पर 3.52 का कर्व देना है, और कर्व कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ ड्राफ्टिंग में, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हमारा वेस्ट का हिस्सा हो चुका है। यहाँ से अभी आपको लेना है आपकी लेंथ, यहाँ से आप जो लेंथ है फर्स्ट लेयर की 16.5 की, वो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है, और वहाँ तक कर्व देना है इसको बराबर। तो यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ से इस तरीके से आप दीजिए, जो टोटल है आपका जैसे 16.5 प्लस 3.52 को मैंने ऐड किया है, तो 20.02 है, तो वहाँ से हम लोग 20.02 पर मार्क देंगे, और यहाँ से इस तरीके से पूरा कर्व देंगे। यहाँ पर मैं इसको कर्व दे चुकी हूँ, और अब इसको कट करना है, कुछ भी अलग नहीं है कर्व देने का, मैंने आपको बताया भी था ड्राफ्टिंग में, तो अभी इसको कट कर देते हैं। तो देखिए अभी ये हिस्सा कट हो चुका है, इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से रहेगा, पूरा हाफ सर्कल की तरह इसका घेरा रहेगा, और या देखिए इस तरीके से सारा। और अभी हमें ऐसा ही एक और पार्ट निकालना है, और तो चलिए वो निकाल देते हैं, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ आप ऐसे रख के निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ देखिए, यहाँ जो हिस्सा बच गया है हमारा ये लाइनिंग का, तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा जॉइंट आएगा, और लाइनिंग में एक जॉइंट आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से जब हम ये फोल्डेड पार्ट को फोल्डेड पार्ट पर रखते हैं इस तरीके से, तो इतना हिस्सा हमारा कम है, ये यहाँ पर सेंटर में इतना हिस्सा कम है, तो आप इतना जॉइंट कर लीजिए यहाँ से, तो इस तरीके से दूसरा हिस्सा निकाल सकते हैं। पर मैं ये जॉइंट नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये यूज आएगा, ये सेम ड्रेस एक और बनाने वाली हूँ इसलिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो लाइनिंग है, क्योंकि इससे ये दिखेगा नहीं, रॉ सिल्क इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये जो जॉइंट आएगा इधर दिखता नहीं है। ये फोल्डेड भाग को मैंने वापस फोल्डेड पार्ट पर ही रखा है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से फोल्डेड है हिस्सा, और ये भी फोल्डेड, और जो हमने कट किया इसको ऊपर रख दिया, इसको कट करेंगे अभी, तो आप इसी तरीके से कट कर सकते हैं, और मैं ये मार्क कर चुकी हूँ तो इसको मैं कट कर देती हूँ। इससे दोनों पार्ट हो चुके हैं कट हमारे लाइनिंग के, और
ये देखिए इस तरीके से अभी हमें रॉ सिल्क का निकालना है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है, आप इसी पार्ट को उसके ऊपर रखिए इस तरीके से फोल्डेड पर। हाँ बस यहाँ का जो हिस्सा है वो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। देखिए रॉ सिल्क के ऊपर मैंने ये लाइनिंग को रखा है, ये फोल्डेड पर है, और यहाँ ये हमारा वेस्ट का हिस्सा, ये है हमारा बॉटम का घेरा। यहाँ से आपको अभी 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर कट करना है, ये इस तरीके से 1 इंच आप इसको ड्रॉ कर दीजिए 1 इंच एक्स्ट्रा और इसको कट कर दीजिए। इसे हमारा कट हो चुका है और इसको आपको निकाल कर वापस सेम इसी तरीके से दूसरा हिस्सा भी कट करना है, तो वो इजी है, उसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे हमने ये लाइनिंग निकाली है उसी तरीके से ये जो हिस्सा है रॉ सिल्क का, आप उसी तरीके से फोल्डेड भाग पर रखिए और उसको कट कर दीजिए। बस ये हिस्सा भी कट हो चुका है हमारा रॉ सिल्क का, अभी बारी है नेट की। किसी ये रॉ सिल्क को भी मैं नेट के ऊपर रख चुकी हूँ, ये फोल्डेड भाग है और ये हमारा रॉ सिल्क का। यहाँ पर भी 1 इंच आपको बढ़ाना है, जो घेरा है वहाँ पर 1 इंच बढ़ाना है। ये नेट की ये दोनों लेयर कट हो चुके हैं, ये एक और ये दोनों। अभी हमें एक और लेयर बनानी है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 लेयर थी, एक लाइनिंग की, एक रॉ सिल्क की और एक है नेट की। अभी नेट की देखिए जो एक लेयर आएगी उसके ऊपर एक लेयर और लेनी है हमें इसके लिए। तो इसके लिए आपको 0.75 इंच ऊपर एक लेयर यहाँ से, जैसे 18.5 इंच है यहाँ पर, तो हमें इसमें 0.75 इंच लेस करना है या फिर 1 इंच लेस कीजिए। तो हम लोग 1 इंच अगर लेस करते हैं तो आता है 17.5, तो आपको 17.5 और लेना है, यानी कि 17.5 इंच की एक लेयर और बनानी है ये नेट की, सिर्फ नेट की। तो नेट की 2 लेयर होगी यहाँ पर। तो इसी तरीके से जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 18.5 है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक वापस 17.5 की ये इस तरीके से पूरा और कट करना है। तो इसी तरीके से आप कट कीजिए, सिंपल ही है। कट कर चुकी हूँ इसको और ये है इसका दूसरा हिस्सा। तो ये होगी 2 भाग ये हमारे नेट के, ये वापस ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा है उसका, ये भी नेट का। इस तरीके से ये 2 हिस्से हुए। उसके बाद है आपका ये रॉ सिल्क, ये भी हो चुका है। उसके बाद है लाइनिंग, मेन लाइनिंग। तो इस तरीके से हमारी स्कर्ट में 4 लेयर्स होंगी, 4 लेयर्स लाइनिंग की, एक लाइनिंग की हुई, एक रॉ सिल्क की और 2 होगी नेट की। बारी है हमारे चोली की और उसके लिए आपको कटिंग करनी है चोली, और इसके नॉर्मल मेथड से कुछ ज्यादा है नहीं, और फैब्रिक को कैसे यूज कर सकते हैं आप सही से यूज कीजिए। ये है हमारा मेन लाइनिंग और इसके बाद रहेगा हमारा रॉ सिल्क। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं इतने सारे लाइनिंग तो मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सही से ले रही हूँ, ये है हमारा बैक का पोर्शन और मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट किया है बैक और फ्रंट दोनों का, और बैक साइड में ये रहने वाली है जिप, तो इसलिए यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है पहले से। तो आप इस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं और फिर उसको कट कर दीजिए। बैक का पोर्शन कट करने के बाद मैंने इस तरीके से वापस यहाँ पर अटैच किया है, ये फोल्डेड भाग है और इस जो यहाँ जो 0.25 इंच हमने बढ़ाया था जिप के लिए, तो उसको फोल्ड कर दिया है। अभी आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये आउटर का एरिया, और उसके बाद में जो फ्रंट के जो मेजरमेंट देने हैं वो दे दीजिए। तो चलिए इस तरीके से मार्क करने के बाद ये ऊपर का हिस्सा आप निकाल दीजिए, और यहाँ देखिए ये हमने मार्क किया है। यहाँ से आप फ्रंट का आर्म होल का शेप दीजिए और जो फ्रंट का नेक है उतना आप शेप दीजिए, उसको कट कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान रखनी चाहिए जब आप बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, तो जो आर्म होल होता है आप शोल्डर का हाफ करते हैं और उसमें 1/2 इंच ऐड कर दीजिए, क्योंकि आर्म होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो लगभग 1/2 इंच कम कीजिए। तो यहाँ पर
जैसे सपोज कि आपका शोल्डर 10 इंच का है तो उसका हाफ हुआ 5 इंच, तो 5 इंच में आप 5.5 इंच का शोल्डर लाइन ड्रॉ कीजिए तो वो सही रहेगा। रहेगा हमारा फ्रंट का हिस्सा और ये रहेगा बैक का हिस्सा। और इसी तरीके से आप रॉ सिल्क भी कट कीजिए और जो चोली में आप मेन फैब्रिक ले रहे हैं उसको भी कट कीजिए। इसी ये रॉ सिल्क भी हम लोग कट कर चुके हैं और ये है हमारा मेन फैब्रिक चोली का, तो आपको सेम इसी तरीके से कट करना है, इसमें भी कुछ अलग नहीं रहेगा, ये इसी अकॉर्डिंग दोनों साइड का कट करना। इस चोली का सारा प्रोसेस हो चुका है, यानी कि ये नेट हो चुकी है और ये रॉ सिल्क और ये है मेन लाइनिंग, ये दोनों साइड से फ्रंट और बैक का दोनों हिस्सा हो चुका है। चोली का ये होने के बाद आपको करना है फ्रिल की कटिंग, और उसके लिए आपको कैसे करना है, जैसे वेस्ट है हमारी 19 तो 19 का हाफ करते हैं तो 9.5 आता है, जो भी आपकी कमर है उसका हाफ कीजिए, उसके बाद में उसको 3 गुना कीजिए यानी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारा फ्रंट का फ्रिल है तो यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद में जितना सेम अलाउंस रख रहे हैं, जैसे 1.5 इंच हमने हमारे चोली में रखा है तो दोनों साइड से 1.5 1.5 3 इंच आपको ये ऐड करना है, तो आता है 31.5। तो 31.5 की ये इतनी आपको फ्रिल लेनी है, ये इस तरीके से ये मैंने ली है। और इसकी ये जो विथ है, ये जो भी ये कहिए, ये कितनी होनी चाहिए, मैं 1 इंच की फ्रिल रखना चाहती हूँ तो ये डबल रहेगी, तो इस तरीके से तो 1 इंच की रखना चाहते हैं तो इसका डबल किया तो हुआ 2 इंच, और 1/2 इंच सेम अलाउंस रहेगा दोनों साइड से तो 1 इंच उसका, तो ये 3 इंच की एक पट्टी है, 3 इंच इसकी लेंथ करिए और ये है इसकी विथ 31.5, ये फ्रंट का हिस्सा है उसकी। तो ऐसे आपको 2 फ्रिल कट करनी है सेम, तो ये मैं कट कर चुकी हूँ। और फ्रिल के लिए आप फ्रिल कॉलर का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही सही तरीके से समझाया है फ्रिल के बारे में। उसके बाद में आपको लेना है बैक का पोर्शन, और उसके लिए बैक पोर्शन में यहाँ आने वाली है जिप, तो जिप जहाँ आएगी जैसे हाफ, तो आपको यहाँ का हिस्सा हाफ और हाफ को मेजर करना है, यानी 19 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो जब 19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4.75 इंच, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 1.5 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि एक हिस्से में यहाँ से यहाँ तक का ही चाहिए तो यहाँ का ही सेम अलाउंस लेंगे, तो 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 15.75 इंच आता है, तो 15.75 इंच की फ्रिल कट की है इस तरीके से। और ये भी 3 इंच की है, ये इसकी जो ये विथ है वो 3 इंच की है, ये इस तरीके से आपको ये 4 कट करनी है, क्योंकि ये तो एक साइड का है, जैसे ये यहाँ का रहेगा तो ये दूसरा यहाँ का, तो हमें वापस ऐसे ही 2 फ्रिल और कट करनी है, ये इस तरीके से रहेगी। तो ये हो चुकी है फिर, अभी हम लोग स्टिचिंग शुरू करते हैं, और थोड़ा बहुत और कटिंग बाकी रहेगी, वो जैसे जैसे प्रोसेस रहेगा वैसे हम लोग कट करेंगे। स्टिचिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले करना है शोल्डर जॉइन, और ये है हमारा मेन फैब्रिक, ये नेट का, ये एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, और ये है रॉ सिल्क, तो आपको इन दोनों को एक रखना है, ये समझिए कि ये दोनों हमारा मेन फैब्रिक है, सिंगल हमारा मेन फैब्रिक है ये, तो आपको इसमें अभी करना है ये जो हमारा लाइनिंग है इन दोनों को अलग अलग ही रखिए, तो फ्रंट और बैक का जो हिस्सा है इन दोनों में इसी तरीके से अलग अलग करना है। तो यहाँ जो लाइनिंग है तो लाइनिंग का शोल्डर लाइनिंग में ज्वाइन कीजिए, और ये वाला हिस्सा इस तरीके से ज्वाइन कीजिए, और ये दोनों अलग अलग जॉइंट नहीं करना है, ये रॉ सिल्क को और नेट को अलग अलग जॉइंट नहीं करना है, इनको साथ में ही इस तरीके से शोल्डर जॉइन करना है। ये राइट साइड है हमारा, तो यहाँ इसको सही तरीके से प्लेस कर ये शोल्डर यहाँ से जॉइंट करना है, तो चलिए स्टिचिंग लेते हैं।
ये शोल्डर जॉइन कर चुके हूँ, ये हमारा मेन फैब्रिक का, और ये मतलब नेट और रॉ सिल्क दोनों एक साथ में, और ये है लाइनिंग। अभी करना क्या है, हम लोग नेक लाइन में ये अटैच नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे आर्म होल पर। तो ये राइट साइड है हमारा फैब्रिक, और ये भी जो राइट साइड रहेगा लाइनिंग का, जहाँ पर ये सिम नहीं है, इस तरीके से आपको प्लेस करना है। तरीके से आर्म होल पर ये पिनअप किया है मैंने, और ये लाइनिंग है, और ये है मेन फैब्रिक। इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच लेंगे ये, फिर इसको उलेटेंगे वापस। बस एक चीज ध्यान रखिए कि जो शोल्डर है वो दोनों शोल्डर एक दूसरे के ऊपर रहे, इस तरीके से। बस जो सादा है एग्जैक्ट वो बराबर से मैच करे। तरह से आर्म होल पर हम दो स्टिच कर चुके हैं, अभी इसको उलेट देना है। उलेटने के बाद इसके ऊपर सही से स्टिच लेनी है, और जब आप स्टिच लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो मेन फैब्रिक है ये थोड़ा सा ऐसे रहे, यानी कि लाइनिंग दिखे नहीं। इसे एक बार उसके ऊपर स्टिच लीजिए और फिर उसको उलट दीजिए। इस तरीके से ही करने से आप आर्म होल की फिनिशिंग हो जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आर्म होल पे ब्याज की पट्टी से भी फिनिशिंग दे सकते हैं, पर मैं यही करने वाली हूँ। और चलिए अभी आगे हम सिल की तैयारी करते हैं। सिल है हमारे, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ से एक स्टिच लेते हैं।
हाफ वाली यानी कि ये बैक साइड में जो फ्रिल आएगी उसमें आपको इस तरीके से ये फोल्ड करना है थोड़ा, और इसके बाद में यहाँ से स्टिच लेनी है ये इधर। तो ये फोल्ड करते हैं जितना यहाँ पर भी स्टिच लेना है। सारी फ्रिल बन चुकी है और अभी इसको उलेटना है, और उलेटने के लिए यहाँ से मैं ये यूज करने वाली हूँ ये डोरी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सुई से इसमें इसको अटका देते हैं पहले इस तरीके से, एक लेयर में पूरा इसको पैक नहीं करना है इस धागे को, और इस धागे को वापस बाहर निकालते हुए जो सुई का ये वाला हिस्सा है इसको अंदर डाल दें, और ये डोरी के जैसे ही इसको ओपन करना है। इस तरीके से ये ओपन हो चुकी है, और अभी आपको करना है, अगर आप चाहें तो पहले इसको आयरन कर दीजिए और यहाँ से फिर इस तरीके से, और फिर फ्रिल बनाना शुरू कीजिए ऐसे, और स्टिच ले लेनी है फ्रिल बनाकर। यहाँ इस कॉर्नर में आप स्टिच लीजिए। फ्रिल बनाने से पहले एक चीज देखिए कि ये जो हमारी ये फ्रिल का ये जो हमने बनाई है पट्टी, यहाँ एक फोल्डेड भाग है और दूसरा वाला है ओपन इस तरीके से। तो यहाँ आप सिम अलाउंस के लिए, जैसे हमने सिम अलाउंस 1.5 इंच रखा है, तो 1.5 इंच यहाँ तक छोड़ दीजिए और उसके ऊपर तक ही फ्रिल बनाइए। तो यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो एग्जैक्ट वहीं से बनाना शुरू कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से ये बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही आपको सारी फ्रिल बनानी है ये इस तरीके से।